बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीके लर्नर पॉइंट। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एसएमई मैनेजमेंट, जिसका सब्जेक्ट कोड MGT601 है, उसके असाइनमेंट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि स्प्रिंग 2020 से रिलेटेड है। इसकी जो ड्यू डेट है वो 30 अगस्त 2022 है और इसके टोटल मार्क्स 10 हैं। इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, टू मेक स्टूडेंट्स लर्न अबाउट ब्रेक इवन पॉइंट, यानी ये जो आपको असाइनमेंट दी गई है, इसका मकसद ये है कि इसको सॉल्व करने के बाद आप ब्रेक इवन पॉइंट को अच्छी तरह समझ लेंगे। लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, स्टूडेंट्स विल एक्चुअली कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट बेस्ड ऑन गिवन डाटा। तो जो आउटकम होगा वो क्या होगा कि असाइनमेंट को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आप प्रैक्टिकली सीख लेंगे कि कैसे डाटा को यूज़ करते हुए आप ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे। तो चले हम सिनेरियो की तरफ बढ़ते हैं जो हमें दिया गया है, फिर हम रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ेंगे। चले, कंपनी नेम क्रिम्सन इज सेलिंग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स लाइक शैम्पूज एंड एयर कंडीशनर। इन कंपनी जिसका नाम क्रिम्सन है, वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मिसाल के तौर पर शैम्पूज और हेयर कंडीशनर को प्रोफ कर रही है। नाउ दे आर प्लानिंग टू लॉन्च फेशियल सोप। अब वो क्या करना चाह रहे हैं, एक नए प्रोडक्ट जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है, जिसको नाम फेशियल सोप है, अब उसको भी लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। इन द प्लानिंग फेज द कंपनी इज मेकिंग ऑल द कैलकुलेशन। पहले प्लानिंग फेज जब वो प्लान कर रहे थे इसके बारे में, तो उन्होंने तमाम जो नेसेसरी कैलकुलेशन थी वो कर ली है। In this regard, they intend to calculate the break-even point so that they can know how many units must be sold to contribute enough money to cover fixed cost. इस सिलसिले में उनका मकसद break-even point को calculate करना है, ताकि वो जान सकें कि उन्होंने कितने फैशन शॉप्स के यूनिट्स बेचने हैं, ताकि उससे इतनी पैसे हासिल हो सकें कि फिक्स का जो है वो कवर हो जाए। फॉर सिंप्लीफिकेशन, लेट्स से द कंपनी हैज फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹18,000। कह रहे हम बिल्कुल सिंप्लीफाई करने के लिए हम सपोज करते हैं या हम कहते हैं कि जो कंपनी की फिक्स कॉस्ट है वो ₹18,000 पर मंथ है, एंड इट कैन मेक अ प्रोडक्ट यूनिट फॉर ₹70 इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल इट फॉर ₹100। कह रहे हैं साथ वो बता रहे हैं कि वो जो प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाते हैं उसमें जो वेरिएबल कॉस्ट का जो पोर्शन है वो ₹70 है, जबकि उस यूनिट की जो प्रोडक्ट यूनिट है जिसको हम सोफेसेस कह रहे हैं, उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 100 है। हेयर द कंपनी इंटेंड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹3,000। कह रहे हैं यहाँ कंपनी ₹3,000 का प्रॉफिट कमाने का इरादा रखती है। रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट एंड ऑल्सो ब्रेक इवन प्रॉफिट पॉइंट। अब आपको दो चीज़ें डिटरमिन करनी है, एक ब्रेक इवन पॉइंट और दूसरा ब्रेक इवन प्रॉफिट पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये आपको बताता है कि आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट सोल्व करने हैं, जिसके नतीजे आपको इतनी इनफ मनी रिसीव हो जाए कि आपके जो फिक्स कॉस्ट है वो कवर हो जाए। और ब्रेक इवन प्रॉफिट पॉइंट ये है कि आपने एक प्रॉफिट की फिगर टारगेट कर ली है या सेट कर ली है कि हमने इतना प्रॉफिट कमाना है, तो इसके अंगेज आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। तो चलिए हम इसके समस्या की तरफ जाते हैं, जो मैंने बिल्कुल एंड पे किया सॉल्व किया है, इतना ज़्यादा नहीं था। तो देखें हमारे पास क्या ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी वो नंबर ऑफ यूनिट हमने डिटरमिन करने हैं नॉर्मली विदाउट सेटिंग एनी प्रॉफिट, जिससे हमें इतनी मनी अर्न हो जाए कि हम अपने जो फिक्स कॉस्ट हैं वो कवर कर सकें। हमारे इस क्वेश्चन में जो फिक्स कॉस्ट हैं वो कितने, 18,000 हैं। तो ब्रेक इवन जो है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ यूनिट टू कवर फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस माइनस यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। तो हम इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कहते हैं, इसका जो डिफरेंस होता है सेलिंग प्राइस माइनस यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का। तो अब हम जितने भी कंसर्न वैल्यूज हैं अब हम इसको में इंसर्ट करते हैं, फिर हम उसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ रिक्वेस्ट है कि कहीं आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक नज़र आए
काइंडली उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें ताकि सबका भला हो सके। यहाँ फार्मूले भी हैं, कहीं भी किसी किस्म की मिस्टेक हो तो आप जरूर उसको शेयर करें, डिस्कस करें ताकि हम उसको फौरन दुरुस्त कर सकें। तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ वैल्यूज पुट की 18,000 हमारे पास फिक्स कॉस्ट है एंड डिवाइडेड बाई पैंतीस मैंने स्टार्ट किए हैं 100 हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस 70 हमारे पास यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। तो हमारे पास क्या आ गया 18,000 डिवाइडेड बाई 30। तो हमने क्या किया, 0 को 0 से कैंसिल किया, बाकी बचे 1,800। 18 को हमने तो 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 600 यूनिट्स आ गए। यानी हमें जो ब्रेक इवन चाहिए या ब्रेक इवन पॉइंट जो है इस कंपनी के लिए टू मीट इस फिक्स कॉस्ट ऑफ रुपीज 18,000 वो है 600 यूनिट। यानी सेल ऑफ दिस नंबर ऑफ यूनिट्स अनेबल्स एसएमई जो कंपनी है फिंसन टू कवर इट्स फिक्स कॉस्ट। अब हम दूसरे की तरफ देखते हैं जो क्वेश्चन है इसका ब्रेक इवन प्रॉफिट पॉइंट, जिसमें हमें वो एक टारगेटेड प्रॉफिट की अमाउंट बता रहा है और उसके अगेंस्ट हमने नंबर ऑफ यूनिट्स को डिटरमिन करना है ताकि हमने उसको सेल करना है। तो ब्रेक इवन प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ब्रेक इवन प्रॉफिट पॉइंट इज इक्वल टू 18,000 फिक्स कॉस्ट प्लस जो हमारे पास टारगेटेड या सेट प्रॉफिट है जो इस केस में 3,000 है उसको मैंने पैंतीस में क्रॉस किया दोनों को डिवाइडेड बाई वही ऊपर वाला जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जिसको मैंने क्या है 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 21,000 ऊपर वाला न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर विच इज इक्वल टू 30। एंड नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स वी हैव एज ए रिजल्ट 700 यूनिट्स। तो हम बिजनेस ने क्या करना है क्रिम्सन क्रिम्सन ने तो उसने 3,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको 700 यूनिट सेल करना होंगे फैशन शॉप से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें, या कोई एडिशन या डिलीशन करवाना चाहते हैं या किसी भी पॉइंट पे डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।